चलो बच्चों, अब एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री, सेक्शन बी का एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री, फाइंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द गिवन प्रिज्म। एक आपके पास ग्लास प्रिज्म दिया होगा, आइसोसेलस इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म होगा, यानी कि हर एंगल उसका 60 डिग्री का होगा, उसका आपको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना। तो पहले तो एंगल ऑफ डेविएशन बारे थोड़ा समझ लीजिए आप। अगर ये ग्लास प्रिज्म है और ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल खींचा आपने, रेयर से डेंसर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, दोबारा से नॉर्मल खींचेंगे, डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम, इसको बोलते हैं बच्चों इंसिडेंट रे और इसको बोलते हैं इमरजेंट रे। इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ डेविएशन आपका है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट। ये एंगल आई, ये एंगल, जिस वक्त आई ई के बराबर हो जाता है उस समय डेल्टा को हम डेल्टा मिनिमम बोलते हैं। जिस वक्त आर वन आर टू के बराबर हो जाता है उस वक्त उसको हम डेल्टा मिनिमम बोलते हैं। जिस वक्त ये रे रिफ्लेक्टेड रे बेस के पैरेलल हो जाती है उसको हम डेल्टा मिनिमम बोलते हैं, यानी कि डेल्टा मिनिमम होने के वक्त आई ई के बराबर होगा, आर वन आर टू के बराबर होगा और ये रे बेस के पैरेलल होगा। बच्चों याद रखना कि ए अगर एंगल ऑफ प्रिज्म है ए इज इक्वल टू टू आर, कब, जब डेल्टा मिनिमम होगा, और म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, यानी कि आई की वैल्यू कितनी हो गई ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। दिस इज द प्रिज्म फॉर्मूला, मिनिमम डेविएशन से आप ये फॉर्मूला निकालते हैं। अब आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो ये है, म्यू नहीं निकालना आपको, आपको सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ किसके बीच में, आई और डेल्टा, यानी आई के साथ डेल्टा का वेरिएशन कैसा है। तो थ्योरी का पार्ट है, कोई नई चीज नहीं है। ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये हो जाएगा मिनिमम डेविएशन, पैराबोला के शेप में बनेगा ये ग्राफ आपको प्लॉट। अब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे करोगे वो देखो, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है बच्चे बताओ प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है, बताओ मिनिमम डेविएशन कब होता है, जब आई के बराबर होता है, एंगल ऑफ डेविएशन को डिफाइन करो क्या होता है ना, ये सारी चीजें आपसे पूछ जा सकती है। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिए आप। ड्रॉइंग बोर्ड के ऊपर आप ए फोर साइज की सीट लगा लेंगे, उस ए फोर साइज सीट पर आप बीच में लाइन खींच दीजिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, और प्रिज्म को रख के उसके शेप बना लीजिएगा, बॉर्डर खींचिए, तीन चार पांच जितने भी बना सकते हैं एक पेज बना लीजिएगा, कम पड़ेगा तो और पेज ले लीजिएगा, ठीक है। आप यहां खड़े होंगे, यानी आप यहां क्या होंगे, बिल्कुल इस एज के सामने, वर्टेक्स के सामने, ठीक है। अब आप यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिएगा, इसको हम नॉर्मल बोलेंगे, इस नॉर्मल को बेस मानते हुए आप इस पे 35 डिग्री का एंगल बनाते हैं। दूसरा नॉर्मल खींच दीजिएगा, इस पे आप 40 डिग्री का एंगल बना दीजिएगा। तीसरा नॉर्मल खींच दीजिएगा, इस पे आप 45 डिग्री का एंगल, इसी तरह से 50 डिग्री, 55 डिग्री और 60 डिग्री, इतना आपको रीडिंग लेनी है। अब आप पेपर पिन लोगे, उस पेपर पिन पर इंप्रेशन डाल के दो पिन आपने लगा दी, मान लीजिए पेपर की। अब आप इस साइड को देखोगे, मान लो इसका नाम रख लेता हूं मैं ए बी सी, आप फेस ए बी से देखोगे, फेस ए बी से देखते हुए आप एक तीसरी पिन लोगे और उस तीसरी पिन को इस तरह से यहां पर इंप्रेस करोगे कि पी वन पी टू और वो आप वाली पिन वो तीनों एक सीध हो जाए, तो मान लो यहां आ गए। फिर एक चौथी पिन ले लिया आपने, उसके पीछे लगा दिया, चारों पिन एक लाइन में हो जाए, इसका मतलब हमारा ऑब्जर्वेशन ठीक आ रहा है। अब आप पिन हटा दीजिए और इस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए, इस लाइन को पीछे एक्सीड कर दिए, उसको आगे एक्सीड कर दिए, ये हो गई इंसिडेंट रे और ये हो गई इमरजेंट रे, ये हो गई आपका एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि 35 डिग्री पर ये आपका डेल्टा। सिक्स पिन दोबारा रिपीट करेंगे 40 डिग्री पर, 40 डिग्री पर डेल्टा कितना आया, फिर 45 पर कितना आया, डिफरेंट वैल्यूज के लिए आई के लिए डेल्टा, और आप ग्राफ,
ये आपका हो जाएगा प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट। वाइवा बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपसे पूछा जाता है कि भाई बताओ प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, प्रिज्म का यूज क्या होता है। प्रिज्म का यूज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी कि व्हाइट लाइट को सेवन क्लास में स्प्लिट कर देता है। कैसे कर देता है, एग्जाम आपसे पूछ सकता है कैसे कर देता है बच्चे बताओ, आप फॉर्मूला बता सकते हैं कि डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू ए म्यू माइनस वन होता है। हर कलर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, इसीलिए हर कलर का डेविएशन भी अलग अलग होता है। अलग अलग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होने की वजह से हर कलर का डेविएशन अलग अलग होता है। मतलब कि अगर व्हाइट लाइट इंसर्ट होती है तो व्हाइट लाइट सेवन कलर में स्प्लिट हो जाती है। अब देखो ये मेन लाइट थी, सबसे नीचे सबसे बड़ा डेविएशन किसका होगा, वॉयलेट का, क्योंकि म्यू इज ग्रेटर देन म्यू आर, सबसे नीचे वॉयलेट और सबसे ऊपर, इसलिए वो सात रंगों में डिवाइड होगी, ठीक है ना। तो ये वाली रेड होगी, ठीक है ना। तो ये प्रिज्म के ऊपर क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब एक लास्ट एक्सपेरिमेंट है उसको भी समझ लीजिए आप। तो आपके आठ के आठ एक्सपेरिमेंट सेक्शन ए के और सेक्शन बी के सब कंप्लीट हो गए। लास्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो है सेक्शन बी का चौथा एक्सपेरिमेंट, फाइंड म्यू ऑफ गिवन ग्लास स्लैब। गिवन ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है। अब आप कैसे निकालोगे ग्लास स्लैब का इंडेक्स, बाय यूजिंग ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप। बायो वाले बच्चे माइक्रोस्कोप का बहुत यूज करते हैं क्योंकि वो लैब में यूज होता है माइक्रो ऑर्गन्स देखने के लिए। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप थोड़ा सा डिफरेंट होता है माइक्रोस्कोप से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कैसे, माइक्रोस्कोप में सिर्फ आप देख पाते हैं कि वो कितना बड़ा दिख रहा है, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में आप ये भी देख पाते हैं कितना बड़ा दिख रहा है और साथ ही साथ उसकी रीडिंग भी ले पाते हैं कि वो कितनी डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। और इसमें आप बहुत सारे की वेरिएशंस ले सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा रीडिंग वाला पोर्शन है, उसमें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग होती है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ये आपका ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, एक मैंने रफ स्केच बनाया हुआ है, ध्यान देना बच्चों। ये है आपका ऑब्जेक्टिव और ये आईपीएस, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है कि ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के बॉटम पे यहां पर एक क्रॉस बना लेना है, पेपर पे एक क्रॉस बना लेना है, पेपर पे ऐसे क्रॉस बना के रख देना है और यहां से देखना है अपनी आंख से, यहां पे आप देखेंगे उस क्रॉस को फोकस करेंगे और आपको बिल्कुल साफ इमेज दिखाई देनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर इमेज दिखाई देनी चाहिए। वो रीडिंग आप नोट कर लेंगे, उसको हम एक्स मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसी मार्क के ऊपर हम ग्लास स्लैब रख देंगे। आपको पता है कि ग्लास स्लैब रखते ही इसकी जो इमेज होगी वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, अपरेंट शिफ्ट बोलते हैं उसको, वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो दोबारा से इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे ऊपर शिफ्ट करेंगे रीडिंग चेंज होगी, उस रीडिंग को हमने नोट कर लिया वो हो गई वाई, ठीक है। वाई जो है एक्स से बड़ा होगा। अब आप कुछ चौक पाउडर ले लीजिएगा और उस चौक पाउडर यानी लाइकोपोडियम पाउडर यूज करते हैं यहाँ पर, उस चौक पाउडर को इसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिएगा, एक बहुत थिन लेयर 10-15 पार्टिकल गिरा दीजिएगा। जैसे ही आप इसको लाइकोपोडियम पाउडर या चौक पाउडर गिराएंगे, अब आपके फोकस होगा कि इस चौक पाउडर को आप देख पाए, तो माइक्रोस्कोप को थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा सिर्फ। तो दोबारा ऊपर शिफ्ट किया तो वो हो गया जेड। तो तीन रीडिंग आपने निकाली, एक बार पहले क्रॉस विदाउट ग्लास स्लैब, फिर आपने क्रॉस विद ग्लास स्लैब, फिर आपने लाइकोपोडियम पाउडर को देखा, वो हो गया सिर्फ, ठीक है। अब एक एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि एक्स की वैल्यू आई 23.53, ये आ गया मान लो 25.63 और ये आ गया मान लो 40.93। तीन रीडिंग हमने निकाली। अब आपने क्या करना है, जेड में से एक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, 40-9 से 0, 4 और 7, 17 जेड माइनस एक्स। फिर आप जेड माइनस वाई कर देना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 3, 0
और ये हो गया 5 और ये हो गया 1। z माइनस एक्स आ गया आपका 17.4, z माइनस वाई आ गया 50-0.3। आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ। तो ये आपका रियल डेप्थ है और ये आपकी अपरेंट डेप्थ है, ये 17.4 डिवाइडेड बाय 3.4। सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा रिफ्रेक्टिव। अब मेन चीज जो है यहाँ पर कि हम रीडिंग कैसे देखेंगे। तो रीडिंग देखना मैंने बताया बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना है। फिर मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की रीडिंग कैसे देखना। माइक्रोस्कोप के अंदर दो स्केल होते हैं, एक होता है मेन स्केल और एक होता है वर्नियर स्केल। जब आप माइक्रोस्कोप को शिफ्ट करते हैं, जब आप माइक्रोस्कोप को शिफ्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है, वर्नियर स्केल पे 50 लाइनें खींची हुई है और इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर, यानी कि 0.001 सेंटीमीटर। आप ये देखिएगा कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के किस लाइन को क्रॉस कर गया। मान लो ये 10वीं लाइन है, तब 10 सेंटीमीटर, और ये है 10.1 और ये 10.2, तो 10.1 को तो क्रॉस कर गया, तो यानी कि मेन स्केल रीडिंग हो गई 10.1। अब आप देखोगे कि इस 50 लाइन में से कौन सी ऐसी लाइन है जो किसी भी लाइन के सीध में है। तो 50 लाइन मान लो 39th लाइन जो है वो किसी एक लाइन के सीध में है। तो आप इस 39 में लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इसमें ऐड कर दीजिए, यू गेट 10.103। ठीक है, एक जीरो ज्यादा लगा दिया आपको मैंने, ये आ गया आपका 10.13 है, ये आ गया रीडिंग। वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल की किस लाइन को क्रॉस कर गया, वो हो गया MSR यानी मेन स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन, नंबर ऑफ लाइन, मेन स्केल की किसी भी लाइन से कोइंसाइड कर रही है, वो हो गया आपका VSR यानी वर्नियर स्केल रीडिंग। उस रीडिंग को आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करिए, वो आ जाएगा VSR, ऐड कर दीजिए, वो आपका हो सकता है एक्स, हो सकता है वाई, हो सकता है। इसी एक्सपेरिमेंट को आप 3 बार करेंगे और मीन लेके आप म्यू की वैल्यू निकालेंगे। एग्जामिनर से क्या पूछ सकता है कि भाई माइक्रोस्कोप में क्या होता है, कितने लेंस होते हैं, दो लेंस होते हैं, दोनों ही कन्वेक्स होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक आईपीस होता है ना, एक आईपीस होता है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम होती है, आईपीस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, साइज लगभग दोनों की बराबर होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो आईपीस थोड़ा सा उससे बड़ा होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इसमें आपसे पूछ जाती है। रियल डेप्थ, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ। किस प्रिंसिपल पर आप काम कर रहे हो इसको, तो नॉर्मल शिफ्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। नॉर्मल शिफ्ट का मतलब क्या होता है, नॉर्मल शिफ्ट का मतलब होता है कि जब मीडियम चेंज होता है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है। जैसे आप पेन को अगर ग्लास में डाल दीजिए, पानी वाले ग्लास में डाल दीजिए, तो पेन आपको टेढ़ी दिखाई देती है, थोड़ी सी टिल्टेड दिखाई देती है, यही नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।